हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मेरी मम्मी का सर्दियों का स्पेशल अदरक का हलवा। इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत होगी, आइए देखते हैं। मैंने एक कटोरी आटा लिया है, मैंने एक छोटी कटोरी अदरक धो के ग्रेट कर लिया, थोड़ा सा गुड़, एक छोटी कटोरी मलाई, दूध रूम टेम्परेचर का दूध है, घी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी। ये काफी टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। मेरी मम्मी हमें कभी भी खांसी जुकाम होता था जब ये बना के हमें खिलाती थी, हमें स्वाद भी आ जाता था और हमारी खांसी जुकाम भी छूमंतर हो जाती थी। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, मैं इसमें एक कटोरी आटा डालूंगी। कंटिन्यू चलाएंगे कलर चेंज होने तक, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी, मुझे कम लग रहा है। आटा हमारा आधा भून चुका है, इस स्टेज पे हम अदरक डालेंगे। इसमें अदरक को भी इसमें मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे। आप सोच रहे होगे गाइस ये कड़वा बनेगा, पर ये यकीन मानो ये कड़वा नहीं लगेगा, काफी टेस्टी लगेगा। आप बना के देखना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कैसा लगा। आटा करीब करीब हमारा भून चुका है, 2-3 मिनट और चलाएंगे, ये गोल्डन ब्राउन होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो आटा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं गुड़ डालूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। गुड़ को भी थोड़ा मेल्ट होने तक इसको चलाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध। अब इसको थोड़ी देर धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। दूध अगर कम हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स किया जा सकता है। हमारा हलवा पक गया है, अब मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश मलाई डालूंगी। इसको भी मिक्स करेंगे, इससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है। अब ये घी थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है क्योंकि मलाई इसमें मिल गई है। क्योंकि हमारे हलवे का कितना प्यारा कलर आया जाए। आप इसमें चाहो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, पर आज मैं इसको बिना ड्राई फ्रूट के बना रही हूँ। हलवा हमारा बन गया, अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा हेल्दी एंड टेस्टी अदरक का हलवा तैयार है। ये काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।